आपका 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को बायो क्लास में एकदम बायो के एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है, झंडा गाड़ के आना है, सारे क्वेश्चन आपको लगा के आने हैं। 70 out of 70 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देने जा रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं अगर आपने पूरी वीडियो लगा ली है। तो बिल्कुल जोश में पूरी वीडियो लगा लेना है, वीडियो को फटाफट लाइक और कर देना है, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और शेयर करने के साथ साथ रे बाबा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सारे आएंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेने का। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में रे बाबा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेने का, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजे जा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाने का। और चलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन करके आप रगड़ के आंसर लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है टैप्टल कोशिकाएं। टैप्टल कोशिकाएं क्या होती है? टैप्टल कोशिकाएं क्या होती है? टैप्टल सेल्स आर, आंसर लगाएंगे। टैप्टल कोशिकाएं क्या होती है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित? अब धमाल मचा के आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। टैप्टल कोशिकाएं क्या होती है? टैप्टल कोशिकाएं होती है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणी या बहुगुणित? इसे अगर क्या से करना है, टैप्टल कोशिकाएं क्या होती है, याद रखेंगे बहुगुणित होती है, डी होती है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। तहलका मचा दिए पहले क्वेश्चन में ही, जबरदस्त आंसर। अब देखो केला, केला 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 ले लो, केला उदाहरण है, केला, केला किस चीज का उदाहरण है? अब आंसर लगाएंगे केला किस चीज का उदाहरण है। बनाना इज एन एग्जाम्पल, बनाना किस चीज का एग्जाम्पल होता है? एप्पल मिक्स चीज का, बी सी या डी? अब अगर क्या आंसर कहें क्वेश्चन नंबर टू में धमाल मचाइए, आंसर लगाएंगे बनाना किसका एग्जाम्पल होता है क्वेश्चन नंबर टू में? पार्थेनोक्रापी का, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम गर्दा उड़ा दिए। अन्य से एक फलन का होता है पार्थेनोक्रापी, बहुत अच्छी शानदार एकदम लबालब आंसर आता हुआ। खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? किसकी तैयारी में आप खमीर का यूज करते हैं? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? क्या वो दही है, चीज है, एसिटिक एसिड है या एथाइल अल्कोहल है? खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? आंसर देने का रे बाबा स्नैपचैट की बात नहीं करने का, स्नैपचैट पे चैट करेगा है? चलिए खमीर का उपयोग किसकी तैयारी में किया जाता है? 3 का आंसर लगाएंगे। इतना छोटा सा मोबाइल, उसमें स्नैपचैट काका चैट काका रखेगा? सही जवाब है एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं, मादा मनुष्य को मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित कौन करता है? एलएच, केवल एस्ट्रोजन, एफएसएच या ऑप्शन नंबर डी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर लगाएंगे। अभी पढ़ लो बच्चा, अभी पढ़ने का एज है ना, अभी तो जुआने हुआ है ना, बाद में स्नैपचैट सब चैट करना ना, अभी टेंशन का नहीं था, अभी तो नया नया जुआनी आया है ना, अभी जुआन हुआ है, अभी तो टेंशन का नहीं था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी थोड़ी तुम्हारी जवानी जा रही है, अभी जवानी रहेगा कुछ दिन की, टेंशन का नहीं था, बुढ़ापा थोड़े आ रहा है, तुम्हारा भी लम्ब बलहाल हो गया है क्या, टेंशन में आ गए हो कि 35 साल के हो गए हैं? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है? आंसर लगाएंगे किस ग्रंथि का स्राव जो है शुक्राणु को पोषित करता है? सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नरिशेस द स्टोमेटा, ए बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बिल्कुल सही जवाब है पौरुष ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन किस में होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, 6 का आंसर लगाएंगे। बाह्य निषेचन किस में होता है? जेली फिश, सी स्टार, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सर। चलिए आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखो बाह्य निषेचन की बात की गई है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, तो सी स्टार में भी होता है और जेली फिश में भी होता है ना, क्या बात है, गर्दा उड़ा दी, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए,
एकदम धुआंधार कर दिए। चलिए नेक्स्ट, सिनर्जिड कोशिकाएं क्या होती है? सिनर्जिड कोशिकाएं क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर लगाना है। सिनर्जिड कोशिकाएं क्या होती है? सिनर्जिड सेला 7 का आंसर लगाएंगे। सिनर्जिड कोशिकाएं क्या होती है? क्या यह गुणित होती है, त्रिगुणित होती है? अब आंसर लगाएंगे सिनर्जिड कोशिकाएं क्या होती है बच्चा आंसर लगाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में धमाल मचाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे धमाल आंसर आ चुका है। अगुणित होती है, अगुणित होती है, क्या बात है, हैपोलाइड होती है, एक धमाल मचा दी एकदम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वपरागण, स्वपरागण की बात की जा रही है बच्चा। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण, स्वपरागण जो है वो कहाँ होता है ये पूछ रहा है। स्वपरागण ऑटोगेमस, ऑटोगेमस पॉलिनेशन टेक प्लेस इन, ऑटोगेमस पॉलिनेशन जो है बच्चा कहाँ होता है? क्या ये जिटनोगैमी में होता है, जेनोगैमी में होता है, सी में होता है या डी में होता है? 8 में आंसर लगाने को बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर लगाइए, ऑटोगेमस पॉलिनेशन कहाँ होता है? चलिए बहुत अच्छे एकदम पूरा फोकस एग्जाम पर लगाइए, अभी सब चीज दिल से निकाल दीजिए, है ना, सारी भावनाएं को दिल से निकालिए, सारा चीज एक तरफ, एग्जाम एक तरफ, है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टीटनस द्वारा उत्पन्न विष, टेटनस हो जाने पर जो विष है कौन सा अंग को प्रभावित करता है? टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है बच्चा, एकदम रगड़ के आंसर करने का। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, वॉलेंट्री मसल को प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं, बहुत बच्चे, बहुत सच्चे। चलिए नेक्स्ट, अवृद्धि विषाणु रोग जनक है, अवृद्धि विषाणु ऑंकोजेन वायरस इज पैथोजन ऑफ, अब 10 का आंसर लगाएंगे। अवृद्धि विषाणु रोग जनक है, किसका रोग जनक होता है? कैंसर का, क्षय रोग का, पीलिया का या पोलियो का? 10 का आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ऑंकोजेन वायरस इज ए पैथोजन ऑफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर, 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 कैंसर। चलिए नेक्स्ट, पौधे में त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन होता है, पौधे में जो त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन होता है वो कौन होता है? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड बोल रहा है, हर्बिसाइड जो जीन है प्लांट में वो कौन है? हर्बिसाइड क्या वो सीटी है, बीटी है, एचटी है या क्या? हर्बिसाइड की बात की जा रही बच्चा, बीटी कॉटन में मत चला जाना, वो कॉटन वाला है, है ना। सही जवाब है सी के साथ जाएंगे बच्चे, एकदम धमाल मचा दिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम गर्दा कर दिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है कृमि से, विषाणु से, पौधे से, पेंसिलियम नोटेटम से? 12 में आंसर लगाएंगे, पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किसमें उत्पन्न, किससे उत्पन्न होता है? 12 में एकदम धमाल चाहिए, क्या बात है, जबरदस्त, याद रखेंगे पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न किससे होता है बच्चा, तो पेंसिलियम नोटेटम से होता है, क्या बात है, एकदम रगड़ दिया आप लोग तो, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए, क्लियर है। चलिए 13 में एकदम तूफान की तरह आंसर करेंगे, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण जो है बच्चा किसके द्वारा किया जाता है, है ना, इन हाइड्रोसर द प्योनीर कम्युनिटी जो है किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, इसका रगड़ के आंसर कीजिए तो, है ना, एकदम धमाल मचाइए इसमें। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे, 13 का सही जवाब आ चुका है ना, पादप लवक, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्रस्टोन लाइकन का उदाहरण क्या है? क्रस्टोज लाइकन का उदाहरण पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकन, अभी तक लाइक नहीं किए तो बच्चा लाइक करने का है पापा, ठीक है, लाइक एकदम कर देने का है, क्रस्टोज लाइकन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकन इज राइजोबियम, पोटोमेस्टोन, राइजोकोपोन या लेमना? 14 का आंसर करेंगे, क्रस्टोज लाइकन किसका उदाहरण है, 14 में धमाल मचाए, राइजोकोपोन, बिल्कुल सही जवाब है, 14 का राइट आंसर आ चुका है, राइजोकोपोन के साथ गए हैं, एकदम धमाल तरीके से आंसर किए हैं, गर्दा उड़ाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 में, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन गुणसूत्र का कैसा होता है, एग्जाम में धुआं धुआं कर देना,
बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे जेनेटिकली एक्टिव, बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? चार ऑप्शन दिए गए, हैबिट विगर अकर ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग। संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है? याद रखेंगे संकर शक्ति जो होती है वो विषम युग्मता का कारण होती है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, विषम युग्मता। ठीक है, विषम युग्मता ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे, जफर बंडी मुर्रा मेहसाना किसकी नस्ल है? जफर बंडी की बात की जाए, मुर्रा की बात की जाए, मेहसाना की बात की जाए, ये सारे के सारे जो ब्रीड्स हैं वो किसके ब्रीड हैं? भेड़ के, गाय के, बकरी के या भैंस के? 17 में धमाल मचाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में तहलका मचाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे एकदम बच्चे, क्या बात है, रगड़ के आंसर करेंगे 17 नंबर में। याद रखिएगा सभी के सभी भैंस के नस्ल है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। मछली के फ्लोर में किस चीज की प्रचुरता होती है? मछली का जो फ्लोर होता है उसमें कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या वो शर्करा है, वसा है, प्रोटीन है या विटामिन है? फिश फ्लोर इज रिच इन, एकदम धमाल मचाते रहे बच्चे 18 में, बहुत अच्छे शानदार। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे प्रोटीन की प्रचुरता होती है, क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अनुधर विखंडन किसमें होता है? वांडी फिजन, वांडी फिजन इज लॉन्गिट्यूडिनल इन। अनुधर विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, वर्टिसुला में या पारमिशियम में? अनुधर विखंडन, वांडी फ्यूजन इज लॉन्गिट्यूडिनल इन, किसमें होता है अनुधर विखंडन? चार ऑप्शन है, एकदम रगड़ के आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना, किसमें होता है? चलिए बहुत अच्छे आंसर लगाएंगे, वर्टिसोला के साथ गए, एकदम गर्दा कर दिए हैं। चलिए अगला सवाल 20। मार्केंसिया एक 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 लिंगाश्राय पौधा है। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, मार्केंसिया कैसा पौधा है? ठीक है ना, मार्केंसिया क्या है? डायोसियस प्लांट है। याद रखिएगा मार्केंसिया कैसा है, तो डायोसियस प्लांट है, याद रखिएगा इस चीज को। अब ये पूछा है इसका यौन अंग विकसित होता है, इट्स सेक्स ऑर्गेन डेवलपर, इसका यौन अंग कहां विकसित होता है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन डायोसियस प्लांट है? चार ऑप्शन वहां पे दे देगा और एक मार्केंसिया दे देगा, तो आप मार्केंसिया टिक कीजिएगा। इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, आंसर लगाना है, याद रखेंगे सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, है ना, और क्यूनेफियर और आंसर डिफो, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस जीन प्रारूप अनुपात होता है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीन प्रारूप अनुपात होता है इसका आंसर लगाना है, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस विल बी। 21 का आंसर, मेरा लैपटॉप एकदम हीट हो गया, जानते हैं क्यों? क्योंकि 12:30 बजे से कंटिन्यू क्लास चल रही है, लैपटॉप आग की तरह आग का गोला बन गया, नहीं उतना हीट नहीं हुआ, ठंडा का समय है, बस गरम गरम हवा निकाल रहा है। चलिए 21 का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, 21 का ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, एकदम धमाल मचा दी, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है? एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देती है, यह घटना क्या कहलाती है? अ जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड। एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देती है तो यह घटना क्या कहलाती है? 22 का आंसर करेंगे, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देती है। चलिए लगा के आंसर करेंगे फटाफट तरीके से। चलिए 22 सही जवाब है, प्रभाविता करते हैं, है ना, सही जवाब याद रखेंगे, प्रभाविता करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23। पारस्परिकता एक उदाहरण है, एन एग्जांपल ऑफ म्यूटलिज्म।
पारस्परिकता किसका उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटुअलिज्म की बात की जा रही है, पारस्परिकता किसका उदाहरण है? रिक्सिया, बी, सी या डी? 23 में आंसर लगाएंगे पारस्परिकता किसका उदाहरण है, पारस्परिकता किसका उदाहरण है, रिक्सिया, सिलेजेनला, सी या डी? 23 में धमाल मचाए बच्चे, याद रखेंगे पारस्परिकता की बात की जाए तो ये एग्जाम्पल है एस्पायरोगायरा के, किसके एग्जाम्पल है तो एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा, एस्पायरोगायरा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। चर्मोस्कर समुदाय की प्रकृति जो है वो किस पे निर्भर करती है? चर्मोस्कर जो समुदाय की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड अपॉन, है ना, नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी किस पे डिपेंड करती है? अब आंसर लगाएंगे क्लाइमेट पे, वॉटर पे, सॉइल फर्टिलिटी पे या टेम्परेचर में? क्वेश्चन नंबर 24 में जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, चार ऑप्शन है, चर्मोस्कर समुदाय की प्रकृति किस पे निर्भर करती है, याद रखेंगे 24 का सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे, जबरदस्त, याद रखिए क्लाइमेट पर निर्भर करती है, क्लाइमेट पर निर्भर करती है, एक एक बच्चा का शानदार आंसर। एक बाध्य जल परजीवी क्या है, एक बाध्य जल परजीवी क्या है, क्या ये अमल बेल है, बिस्कम है या रिप्लेसिया? बाध्य परजीवी की बात की जा रही है 25 नंबर क्वेश्चन में, है ना, ऑब्लिगेट रूट, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इज, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर में धमाल मचाएंगे, 25, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इज, चलिए फटाफट तरीके से आंसर करेंगे, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इज द राइट आंसर। क्लियर है ऑप्शन नंबर डी, चलो नेक्स्ट देखेंगे। उत्परिवर्तक प्रदूषक कौन है, म्यूटेजेनिक पॉल्यूटेंट, म्यूटेजेनिक पॉल्यूटेंट कौन है, एक उत्परिवर्तक प्रदूषक का नाम बताना है, एक उत्परिवर्तक प्रदूषण कौन है? 26 में आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, एक उत्परिवर्तक प्रदूषक क्या है वो, कार्बन है, बी, सी या डी? कार्बन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, सी या डी? 26 में आंसर करेंगे। एक उत्परिवर्तक प्रदूषक की बात की जा रही है, एक उत्परिवर्तक प्रदूषक कौन होता है, चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, सही जवाब होगा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 27, एकदम तेजी में एकदम धमाल मचाते चलना है। एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, अनन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, है ना, अब आंसर करेंगे, आंसर करेंगे 27, चलिए 27 बिल्कुल सही जवाब है डीडीटी, डीडीटी, डीडीटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, शुक्राणु का विकास कहां होता है, शुक्राणु का विकास कहां होता है, वेयर इज स्पर्म डेवलप, शुक्राणु का विकास कहां होता है, अब आंसर लगाएंगे शुक्राणु का विकास कहां होता है, 28, वेयर इज स्पर्म डेवलप, आंसर करेंगे फटाफट तरीके से, चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आंसर लगाएंगे 28 में फटाफट तरीके से, 28। चलिए याद रखेंगे अगर बात की जाए कि स्पर्म कहां डेवलप करता है तो आप प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जाएंगे, याद रखना है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपने आंसर लगाया, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, 29, याद रखेंगे जबरदस्त तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन निर्मित होता है, डी के साथ एकदम धमाल मचाना है। चलिए गैस्टुला, गैस्टुला में एक छिद्र होता है जो क्या करना, ग्रेस्टुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है, जुस्पोर, ब्लास्टोपोर, सी या डी? ग्रेस्टुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है, अब आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, चलिए 30 में आंसर करेंगे, ग्रेस्टुला में एक छिद्र होता है, बिल्कुल सही जवाब है ब्लास्टोपोर कहते हैं उसे बच्चे, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 31, मनुष्य के अग्रंग तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं, चलिए आंसर करेंगे, पूछा गया है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बींग्स ऑफ वर्ड आर, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बींग्स ऑफ वर्ड आर,
एनालॉगस या होमोलॉगस? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे फॉर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बींग्स आर वर्ड, ये सारे के सारे क्या है? याद रखेंगे होमोलॉगस ऑर्गेन्स है, सारे के सारे क्या है? होमोलॉगस ऑर्गेन्स है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। होमोलॉगस कहा है? हस्ती के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है होमोलॉगस ऑर्गेन्स। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में बहुत लोग कमेंट करके बोलते चिल्लाते रहते हैं एनालॉगस एनालॉगस एनालॉगस, तो भैया आप एग्जाम में एनालॉगस ही टिक कर दीजिएगा, लेकिन हम होमोलॉगस पढ़ाते हैं, हम होमोलॉगस पढ़ाएंगे, होमोलॉगस ही होता है। ठीक है एनालॉगस नहीं होता है, ठीक है होमोलॉगस ही होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32, मछलियों काल क्या कहलाता है? मछलियों काल क्या कहलाता है? आंसर लगाएंगे एज ऑफ फिशेज कॉल। अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में धमा मचाएंगे, मछलियों काल क्या कहलाता है? डेवोनियन पर्मियन सीआरटी 32। चलिए बहुत अच्छे, 32 का सही जवाब याद रखेंगे डेवोनियन है ना, मछलियों काल क्या कहलाता है? तो डेवोनियन, बिल्कुल सही जवाब। भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? अब आंसर करेंगे कौन दिए थे भ्रूण प्रकाश का नियम, भ्रूण प्रकाश का नियम कौन दिए थे? लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वॉज प्रपोज बाय, भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा दिया गया? 33 में धमाल मचाए बच्चे, भ्रूण विकास का नियम कौन दिया था? 33 याद रखेंगे, भ्रूण विकास का नियम कौन दिए थे? बिल्कुल सही जवाब है, फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। चलिए याद रखिएगा भ्रूण विकास के नियम की बात की जाए तो बॉन बियर ने दिया था, कौन दिया था? बॉन बियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल देखिए क्या पूछा है 34, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन है? है ना पूछा गया है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा, द ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन है? टमाटर का है, आलू का है, मक्का का है या चावल का है? उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन है? 34 में धमाल मचाइए। देखो सबको पता है बच्चा है ना, आलू आलू आलू, बिल्कुल सही जवाब है, जो भी आलू के साथ गए हैं एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35, डीएनए 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है? डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है? मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ विच बॉन्ड, है ना किस बॉन्ड के टूटने के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड, बी सी या डी? 35 में आंसर करेंगे डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होता है? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, सही जवाब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत अच्छे शानदार। बायोलिस्टिक गन किस लिए उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन का किस लिए उपयुक्त होता है? आंसर लगाएंगे बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर, बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर ए बी सी या डी, चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 36 में, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे। बायोलिस्टिक गन की बात की जाए तो बहुत अच्छे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्लियर है।